और कहते हैं ना, जब प्रसाद बनाने का मन अच्छा हो ना तो सब अच्छा अच्छा होता है। इतना बढ़िया वाला मुझे कोकोनट मिला, एकदम ही फ्रेश। इसकी स्किन भी एकदम ही लाइट ब्राउन कलर की थी। ये पूरा शर्मा जी ने मुझे खोल के दे दिया था, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। बहुत मोटा ग्रेट नहीं करना। और इसके बाद इसके लिए चाहिए थोड़े से नट्स भी, तो थोड़े से यहाँ पर आमंड्स जो है उनको भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और ये जो मोदक मैं बना रही हूँ ना, ये एकदम ही ट्रेडिशनल टाइप से बनाए जाते हैं, स्टीम करके बनाए जाते हैं। और इसमें बेसिकली आपको सिर्फ फ्रेश कोकोनट और गुड़ ही चाहिए, एंड चावल का आटा ऑफ कोर्स। बाकी जो बाकी चीज़ें हैं वो आप आपकी मर्ज़ी से डाल सकते हो। और ये गुड़ मैंने ले लिया है देसी गुड़, और जितना आपका नारियल है उससे हाफ आपको गुड़ चाहिए। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि जो गुड़ आपके पास है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मीठा है कि हल्का मीठा है, ऐसा भी होता है आजकल। हाँ, शुगर भी, गुड़ भी, कोई कोई शुगर कम मीठे रहते हैं, गुड़ भी कम मीठे रहता है, एंड थोड़े थोड़े कोई कोई ज़्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से एक कटोरी नारियल के सामने आधा कटोरी आपको गुड़ चाहिए। मैंने पैन में डाला है थोड़ा सा देसी घी, और डालेंगे इसके अंदर पॉपी सीड्स, इनको हल्का सा भून लेंगे, खसखस है ये। और इसके बाद इसमें डालेंगे जो आमंड्स हमने तैयार करके रखे हैं, दोनों चीज़ों को मिला के थोड़ा सा भून लेंगे। और थोड़ा सा भून जाने के बाद डालेंगे इसके अंदर जो हमने कोकोनट तैयार करके रखा है, और सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर लेंगे। और ये भी थोड़ा सा भूनना है, और ज़्यादा कुक नहीं करना, हल्का सा बस मिक्स कीजिए। इसके बाद ऐड कर दीजिए इसके अंदर गुड़। गुड़ को काट करके या ग्रेट करके ही इस्तेमाल करें। मोटे मोटे अगर आप वो चंक्स लेंगे ना तो उनको पिघलाने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसमें पानी वानी कुछ नहीं मिलाना है, क्योंकि ये जो गुड़ है ये भी पिघलेगा, और जो आपका कोकोनट है इसमें से भी जूस निकलेगा ना। तो साथ में पकाएं। थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने ऐड किया है यहाँ पर, और थोड़ा सा ये है नटमेग, इसको हल्का सा ग्रेट करके डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत हल्का, एकदम ही छोटी चुटकी भर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा अरोमा आता है। अब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मिला लीजिए, फ्लेम फुल करके इसको पका लीजिए, क्योंकि आपने गुड़ जो है वो काट करके लिया है ना, तो वो जल्दी पिघल जाएगा। मैंने एक चुटकी नमक भी डाला था, तो काट करके या ग्रेट करके इसलिए लेते हैं जिससे वो जल्दी से पिघल जाए और बहुत देर कुकिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज़ फिर च्यूई होने लगती हैं चीज़ें, स्वीट चीज़ों को ज़्यादा देर पकाया ना तो च्यूई हो जाती हैं। अच्छी तरह सारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो फिर इसको रख दीजिए एक साइड में। कढ़ाई में मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1/4 कप पानी, 1/2 कप है तो इसलिए दो बार लिया है, पर है ये 1/4 कप पानी। और कढ़ाई में इसको डालेंगे, देन इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच जैसा घी, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। उबाल लाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बस ये अच्छे से गर्म हो जाए। तो इसमें डालेंगे 1 कप भर के राइस फ्लार, और थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एंड तुरंत ही इसको चलाना शुरू कीजिए। और ये जो राइस फ्लार है इसको पानी में आप मिलाएंगे ना तो इतने में ये ड्राई होने लगेगा, ये बहुत जल्दी से पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है। आप हाथ थोड़ा फास्ट चलाइएगा, सारा का सारा जो राइस फ्लार है उसको पानी में मिक्स कर दीजिए, और इसके बाद गैस कर दीजिए एकदम ही स्लो। इसको 1-2 मिनट अभी पकाना है यहाँ पे। आपको फील होगा कि ड्राई होता जा रहा है, बट स्टिल आपको ये थोड़ी देर पकाना है, ध्यान दीजिएगा। आप एकदम ही यहाँ छोड़ देंगे ना तो फिर अच्छा मज़ा नहीं आएगा। कुछ 2-3 मिनट इसे फ्लेम पे पकाइए, फिर ढक्कन लगा के भी 5 मिनट पकाइए, और फिर गैस बंद करके 10 मिनट ऐसे ही स्टैंडिंग टाइम इसको दीजिए। और मीनवाइल मैं यहाँ खीर भी बना रही हूँ, तो 10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम दीजिएगा, इसके बाद ही हम इसको प्रोसेस करेंगे। तो ये जो हमारा राइस फ्लार है जिसे कम से कम 4-1 मिनट हमने पकाया था, और इसके बाद 10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम दिया है, इसका ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए अच्छा खासा इकट्ठा हो रहा है, इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि हमको इसे नीड करना है। बहुत गर्म है, आप हाथ से हैंडल कर सकते हैं तो हाथ से कीजिएगा। मैं इस तरह कटोरी के बैक पर थोड़ा घी लगा के इससे इसको मसल लेती हूँ। इसको थोड़ा सा नीड करना होता है, और इसको गर्म गर्म ही नीड करना होता है। ठंडा होता जाएगा तो ये जमता जाएगा, फिर इसे नीड नहीं किया जा सकता। तो बहुत लोग इतना गर्म को हाथ नहीं लगा सकते, मुझे भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए मैं इस तरह कटोरी से इसे थोड़ी देर नीड करूँगी। कुछ ही टाइम में ये इकट्ठा होने लगेगा। देखिए सारा का सारा डो इकट्ठा हो गया है, एक तरफ आ गया है। तो बस अब इस वक्त मैं इसे हाथ से नीड कर लूँगी। ये थोड़ा गर्म तो है बट अभी मैनेजेबल है, मैं इतना गर्म सह सकती हूँ। तो इसे हाथ से थोड़ी देर अभी फिर नीड करेंगे। एक्चुअली आपको ये एकदम ही क्रैक फ्री स्मूथ सा, एकदम ही चिकना सा डो लगा के तैयार करना है। देखिए इसे कितना ज़्यादा स्मूथ है ये, और बहुत ज़्यादा सख्त डो ना लगाएं। आपको लग रहा है कि डो सख्त हो रहा है तो थोड़ा पानी मिला के डो लगाएं, बट बहुत स्टिफ डो
वो नहीं लगाइएगा, एकदम स्मूथ सा बढ़िया सा डो लगा के तैयार करके रख दीजिए। स्टीमर तैयार कर रही हूँ मैं, नींबू इसलिए डालते हैं जिससे जो सॉल्ट है वाटर के वो जम ना जाए बर्तन में। स्टीमर हो गया तैयार, अब मोदक मोल्ड के अंदर ये जो हमने डो बनाया है और जो फिलिंग बनाई है इससे मोदक तैयार कर लेंगे। ट्रेडिशनली तो ये मोदक हाथ से ही बनते हैं, हाथ से ही फैलाए जाते हैं, छोटी रोटी जैसा बनाया जाता है और फिर इस तरह शेप दिया जाता है मोदक का। बट अभी सांचे अवेलेबल हैं तो सब लोग मोल्ड की हेल्प से इजीली बना पाते हैं, तो मैं भी मोल्ड की हेल्प से ही बना रही हूँ। एक बॉल जैसा मोल्ड के अंदर डाल दीजिए, उंगली से पूरा सेट कर दीजिए, पूरा अच्छी तरह से फट ना जाए कहीं लेकिन सारे वॉल्स पर अच्छी तरह चिपक जाए तो बीच में कैविटी आ जाएगी, कैविटी में फिर फिलिंग डाल दीजिए और फिर इसे लॉक कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा अनइवन हो गया है वापस डो चिपकाने की वजह से, जो हमने बेस पे डो चिपकाया है, तो इसे देखिए मैं किस तरह बता रही हूँ ना, इस तरह उंगली से थोड़ा हल्के हाथों से ना शेप दीजिए जेंटली, जहाँ कैविटीज़ है वहाँ प्रेस कीजिए, जहाँ उभरा हुआ है वहाँ हल्के हाथों से शेप दीजिए, तो ये एकदम ही इवन वन पीस जैसा मोदक तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ऊपर से कुछ चिपकाया है। स्टीमर रेडी हो गया है, ये थोड़े केले के पत्ते मैंने इसमें लगा दिए हैं, लाइन कर दिए हैं, इसके ऊपर अपने मोदक लाइन कर दीजिए और फिर इसे स्टीम करेंगे। यूजुअली अराउंड 10 से 12 मिनट में जो मोदक है वो स्टीम हो जाते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपने मोदक का साइज़ कितना बड़ा लिया है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर छोटे बनाए तो जल्दी से हो जाएंगे, बट मीडियम फ्लेम पे ना 10 से 12 मिनट में मोदक अप टू 15 मिनट मैक्स हो जाते हैं तैयार। तो स्टीमर के अंदर आपका जो ट्रे है वो रख दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए, मीडियम फ्लेम पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 12 मिनट्स के लिए स्टीम करूँगी। ऊपर से एकदम ही ग्लॉसी हो जाते हैं ये, देखिए इनका साइज़ थोड़ा बढ़ चुका है और आपको एक अच्छी कुक्ड वाली फीलिंग भी आएगी, ऊपर से एकदम शाइनी भी हो जाते हैं, चिपकते नहीं हैं हाथ को, तो मोदक रेडी हैं। बस मैं इन्हें सर्व करूँगी, ऊपर से थोड़ा सा मैं केसर वाला दूध भी डाल रही हूँ और ये मम्मी के घर भी भिजवाऊँगी मैं, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कितने बढ़िया मोदक तैयार होते हैं। आप है ना ट्राई ज़रूर देना, एकदम ही आसान है, देखने में लगता है कि डिफ़िकल्ट हो गया ये रेसिपी, बट ट्राई टू डू इट, इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आराम से कर पाओगे।